हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल सिद्धांत नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPCHO CCHN एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के इम्यूनाइजेशन पार्ट से यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप CCHN एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर साबित होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, तो यहाँ पर पहली जो वैक्सीन है उसको किसने यहाँ पर परफॉर्म किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है जोनस साल्क, सेकेंड है एडवर्ड चेनर, थर्ड है लुइस पाश्चर एंड फोर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर जो आपकी पहली वैक्सीन है उसको किसने परफॉर्म किया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा एडवर्ड चेनर। एडवर्ड चेनर जी ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को परफॉर्म किया था, डेवलप किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा, एडवर्ड चेनर। एक यहाँ पर है जोनस साल्क जो कि फर्स्ट पोलियो वैक्सीन को डेवलप किए थे, और यहाँ पर लुइस पाश्चर हैं जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी। एक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे इन्होंने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर एडवर्ड चेनर चाहेगा जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन यहाँ पर फर्स्ट बार परफॉर्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेबल आर स्टोर्ड इन, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भी वैक्सीन्स होती हैं सभी वो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होता है, PSC होता है, वो उसमें किसमें स्टोर की जाती हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पर कुछ फ्रीजर्स होते हैं जिनमें हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, PSC होता है, PSC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हम जो फ्रीजर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर होता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद एक आता है आपका वॉक इन कोल्ड रूम जो होता है, WIC बोलते हैं इसको। इसमें हम स्टेट या फिर रीजनल लेवल में के जो वैक्सीन्स लेवल पर जो वैक्सीन्स स्टोर किए जाती हैं इनका भी टेम्परेचर सेम होता है ILR के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक। उसके बाद एक होता है आपका डीप फ्रीजर जो कि इसमें पोलियो वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूज की जाती हैं, जिसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर जो आएगा क्या जाएगा, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, क्योंकि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, PSC होती हैं, PSC से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हम ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में जो भी वैक्सीन्स हैं उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। तो जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसी को हम EPI बोलते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आपसे EPI करके पूछ ले या फिर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1980, 1974, 1976 एंड 1985। तो जो आपका यहाँ पर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर EPI था वो 1974 में स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर उसके बाद इंडिया ने खुद का जो आपका अपना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था जिसको हम UIP या फिर UPI भी बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो कि 1985 में यहाँ पर इंडिया में शुरू हुआ था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 1974 ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर EPI 1974 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सा रूट हम अपनाते हैं, यूज करते हैं। तो फर्स्ट है IM, सेकेंड है SC सबक्यूटीनियस, थर्ड है ID इंटरडर्मल एंड फोर है ओरल। तो जो आपका रोटा वायरस वैक्सीन है डायरिया के लिए यूज की जाती है और ओरली हम इसको देते हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड।
तो स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट केस है पूरे वर्ल्ड में वो कब रिपोर्ट किया गया था? तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1977, सेकंड है 1978, थर्ड है 1979 और फोर्थ है 1982। तो स्मॉल पॉक्स जो कि पूरे वर्ल्ड से एंड इंडिया से इसको इरेडिकेट कर दिया गया है, आपको पता है। और इसमें यहाँ पर दो चीज़ें, एक स्मॉल पॉक्स एंड एक पोलियो, इन दोनों को इरेडिकेट कर दिया गया है इंडिया से। और जो स्मॉल पॉक्स है इसको वर्ल्ड से पूरे इरेडिकेट कर दिया गया है। कब किया गया था इरेडिकेट? तो पूरे वर्ल्ड से इसको यहाँ पर 1980 में इरेडिकेट किया गया था। कब? 1980 में स्मॉल पॉक्स को। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1977 में इसको इरेडिकेट किया गया था। तो यहाँ पर जो लास्ट केस है स्मॉल पॉक्स का वो वर्ल्ड में यहाँ पर 1977 में मिला था। कहाँ पे? सोमालिया, अफ्रीका में मिला था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 1977, ये स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड में सोमालिया अफ्रीका में 1977 में मिला था। और यहाँ पर इंडिया में 1977 में ही इसको इरेडिकेट कर दिया गया था, और पूरे वर्ल्ड में 1980 में। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ द वैक्सीन्स आर गिवेन एट बर्थ एक्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जो भी वैक्सीन्स होती हैं यहाँ पर दी गई हैं नीचे, उसमें से कौन सा बर्थ एट द बर्थ दिया जाता है एक्सेप्ट, एक को छोड़कर? तो फर्स्ट ऑप्शन है BCG, सेकेंड है OPV, थर्ड है हेपेटाइटिस बी एंड फोर्थ है मीजल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि एट द बर्थ BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन्स दी जाती हैं। मीजल्स जो वैक्सीन होती हैं उसको एट द 9th मंथ दिया जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन जाएगा क्या जाएगा? मीजल्स, क्योंकि एक्सेप्ट करके पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन इज, लाइव वैक्सीन्स का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है BCG, सेकेंड है मीजल्स, थर्ड है कॉलरा एंड फोर्थ है ए एंड बी। तो जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं और किल्ड वैक्सीन्स होती हैं, इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में कोई ना कोई हर बार पूछ लेते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं लाइव वैक्सीन्स होती क्या हैं। तो लाइव वैक्सीन्स जो होती हैं वो लाइव ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार की जाती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं, जिन्हें मतलब कि ये मोस्ट पावरफुल वैक्सीन्स होती हैं। और अगर इनकी एक डोज लगा दिया जाए तो उसके बाद बूस्टर डोज की इसमें नीड नहीं होती है, उसे हम लाइव वैक्सीन्स कहते हैं। और किल्ड वैक्सीन्स की बात करें तो किल्ड वैक्सीन्स लेस पावरफुल होती हैं, एक किल्ड ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रिपेयर होती हैं, इनमें बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है। और एक होता है आपका टॉक्सिन स्टॉक साइट जो कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके टॉक्सिन से प्रिपेयर की जाती हैं। तो यहाँ पर लाइव वैक्सीन्स याद करने की ट्रिक हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर एग्जाम में लाइव वैक्सीन्स किल्ड वैक्सीन से पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं लाइव वैक्सीन्स के लिए। तो लाइव वैक्सीन्स को याद रखने की ट्रिक जो है, आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, बॉय, MMR एंड TBR। ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे, बॉय, MMR एंड TBR। इससे आपको लाइव वैक्सीन से याद रहेंगी। बी से आपका BCG हो गया, ओ से ओरल पोलियो, वाई से हो गया येलो फीवर, एम से हो गया मीजल्स, एम से हो गया मम्स एंड आर से हो गया रूबेला, टी से होगा टाइफाइड, बी से हो गया वेरिसेला, आर से हो गया आपका रोटा वायरस। तो ये जो वैक्सीन्स होती हैं आप ऐसे याद रख सकते हैं, बॉय MMR एंड TBR। इससे आपको लाइव वैक्सीन्स हमेशा के लिए याद रहेंगी और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, तो आप इजीली इसको रिमेम्बर रख सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें किल्ड वैक्सीन्स याद करने की ट्रिक, किल्ड वैक्सीन्स। तो इसको याद करने की ट्रिक जो होती है, 3P CT एंड HR, तीन चीज़ें आपको माइंड में रिमेम्बर करके रखना है, 3P CT HR। 3P मतलब 3P होती हैं जिनको रिमेम्बर करके रखना है। 1P से होता है आपका जो पोलियो होती है, इंजेक्टेड पोलियो, उसमें मैंने आपका ओरल पोलियो बताया था लाइव वैक्सीन में, इसमें इंजेक्टेड पोलियो जो होती है वो होती है किल्ड वैक्सीन्स। और 1P से आपको पर्ट्यूसिस, और 1P से आपको यहाँ पर प्लेग का याद रखना है, सॉरी, यहाँ पर 3P CT एंड HR। 1P से आपका पर्ट्यूसिस, 1P से प्लेग एंड 1P से जो भी पोलियो है इंजेक्टेड, और 1C से यहाँ पर कॉलरा, टी से यहाँ पर आपका हो जाएगा टाइफाइड, एंड एच से हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस बी, आर से आपका हो जाएगा रेबीज। तो ये आपके किल्ड वैक्सीन्स हो गए, इन्हें आपको रिमेम्बर करके याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कोल्ड चेन में टेम्परेचर को हम कितने सेंटीग्रेड पर मेंटेन करके रखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोल्ड चेन होता क्या है। तो कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसमें वैक्सीन्स को स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो जो कोल्ड चेन होती हैं उसमें टेम्परेचर कितने सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड है -2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है 4 to 6 सेंटीग्रेड एंड फोर है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कोल्ड चेन में जो टेम्परेचर होता है उसको यूज करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ए पोलियो वैक्सीन इज। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोलियो वैक्सीन कि ये टेम्परेचर जो होती है आइडियल टेम्परेचर क्या होती है उसको स्टोरेज करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फोर है नन ऑफ द एबव। तो जो पोलियो वैक्सीन होती हैं उनको हम सबसे मोस्ट हीट सेंसिटिव होती हैं, इसलिए इनको सबसे नीचे हम जो फ्रीजर बॉक्स होती है उसमें हम इनको स्टोर करके रखते हैं, और फिर जो टेम्परेचर होती है उसकी -20 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैक्सीन्स लूज देयर पोटेंसी इफ एक्सपोज टू टेम्परेचर अबव 8 डिग्री सेंटीग्रेड केप्ट इन फ्रीजर। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं क्वेश्चंस की, जो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि अपनी पोटेंसी जो है उसको लूज कर देंगी अगर उनको एक्सपोज कर दिया जाए 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे टेम्परेचर पे, या फिर उनको फ्रीजर में रख दिया जाए। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो कि हीट सेंसिटिव होती हैं, और कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो हीट रेजिस्टेंस होती हैं। तो जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स होती हैं वो होती हैं आपकी पोलियो होती हैं, येलो फीवर होती हैं, मीजल्स होती हैं। ऐसी जो वैक्सीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, हीट रेजिस्टेंस होती हैं। और जो यहाँ पर TT हो गया, BCG हो गया, तो DPT हो गया, ऐसी जो वैक्सीन्स होती हैं वो हीट सेंसिटिव होती है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। इसमें इसको याद रखने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ तीन चीज़ें याद रखना है, OA, मैं, BPT। ये तीन चीज़ सिर्फ आपको याद रखना है, इससे इजली आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सी वैक्सीन्स कैसे हम स्टोर करके रखेंगे कितने टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले O से यहाँ पर ओरल पोलियो हो गया, Y से येलो फीवर हो गया, और जो ME है इससे मीजल्स हो गया, बी से आपका BCG हो गया, पी से आपका पेंटावेलेंट हो गया, पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन्स आती हैं, DPT, डिप्थीरिया पर्टिटिस टिटनेस हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस बी, और यहाँ से टी से टिटनेस। तो इससे आप इजीली रिमेम्बर रख सकते हैं। सबसे पहले जो OY मैंने बताया आपको, वे उससे ओरल पोलियो एंड येलो फीवर जो है उसको आप सबसे नीचे यूज करेंगे फ्रीजर कंपार्टमेंट में, जिसमें ये हीट रेजिस्टेंस होती हैं। तो इनको जो कम टेम्परेचर पे, काफ़ी लो टेम्परेचर पे हम रखते हैं, जैसे कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद आपका मीजल्स हो गया, मीजल्स को भी हम ये भी हीट रेजिस्टेंस होती हैं, इनको हम सॉरी हीट सेंसिटिव होती हैं, इनको भी हम लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद आपकी जो BCG वैक्सीन्स हो गई, पेंटावेलेंट हो गया, एंड यहाँ पर TT हो गई, ये हीट रेजिस्टेंस होती हैं, मतलब कि इनको अगर फ्रीजर में रख दिया जाए तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं, या फिर अगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा इन टेम्परेचर पे इनको एक्सपोज कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तब भी ये ख़राब हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है TT DPT, सेकेंड है TT DPT पोलियो, थर्ड है TT DPT पोलियो BCG एंड फोर्थ है TT DPT पोलियो एंड मीजल्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पोलियो और मीजल्स वैक्सीन हैं इनको, मीजल्स एंड जो पोलियो वैक्सीन्स हैं इनको हम
फ्रीजर कंपार्टमेंट रखते हैं क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होती हैं, इनको हम -15 डिग्री से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं स्टोर करके। तो यहाँ पर ऑप्शन में जहाँ भी पोलियो होगा एंड मीजल्स होगा वो तो कट जाएगा, इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पोलियो है तो ए भी नहीं होगा, यहाँ भी पोलियो है तो ए भी नहीं होगा। बचा यहाँ पर TT DPT, तो मैंने आपको बताया कि जो TT होती है पेंटावेलेंट होती हैं और BCG होती हैं, ये सारी जो वैक्सीन्स होती हैं इनको हम ए होती हैं हीट रेजिस्टेंस होती हैं, जिनको हम 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। आपका यहाँ पर DPT जो है पेंटावेलेंट में आ जाता है, तो TT DPT और जो हेपेटाइटिस बी है एंड आपका BCG, ये सारी जो वैक्सीन्स हैं ये हीट रेजिस्टेंस होती हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जाएगा वो फर्स्ट जाएगा TT एंड DPT। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डाइल्यूएंट यूज फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द BCG वैक्सीन इज, इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो BCG वैक्सीन्स होती हैं उनमें हम कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं उसको रिकॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल सेलाइन, सेकेंड है ग्लिसरीन, थर्ड है डेक्सट्रोज एंड फोर्थ है डिस्टिल्ड वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि BCG वैक्सीन को हम किस में कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो नॉर्मल सेलाइन है ये आपका राइट ऑप्शन होगा, एंड इसमें हम जो BCG वैक्सीन होती है उसको हम डाइल्यूएंट यूज करते हैं NS का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, जो यूज ऑफ द फॉलोइंग सीरेंज इज यूज फॉर BCG वैक्सीन्स, तो BCG वैक्सीन्स के लिए कौन सी सीरेंज यूज की जाती है। BCG जो वैक्सीनेशन होती है उनके लिए जो सीरिंज यूज कर जाती है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 cc, सेकंड दिया है 5 cc, थर्ड दिया है ट्यूबर क्लीन, फोर्थ दिया है 10 cc। तो यहाँ पर जो सीरिंज यूज की जाती है BCG वैक्सीनेशन के लिए वो होती है ट्यूबर क्लीन सीरिंज। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ट्यूबर क्लीन सीरिंज। तो जो BCG वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, BCG वैक्सीन एट बर्थ दिया जाता है जिसकी डोज 0.05 ml होता है, और जो कि यहाँ पर इंटरडर्मल दिया जाता है, और मैंने आपको बता दिया कि कौन सा डाइल्यूएंट यूज किया जाता है नॉर्मल सेलाइन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कौन सी सिरिंज यूज की जाती है, तो ट्यूबरक्लोइन सिरिंज यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है BCG से, अनयूज्ड BCG वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर जो BCG वैक्सीन्स हैं अनयूज्ड हुई हैं तो उनको कितने टाइम बाद हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 आवर्स, सेकेंड है 4 आवर, थर्ड है 6 आवर एंड 4 है एट द एंड ऑफ द डे। तो जो BCG वैक्सीन्स होती हैं उसको हम 6 आवर बाद डिस्कार्ड कर देते हैं अगर यूज नहीं हुई हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 6 आवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आफ्टर गिविंग BCG स्कार गेट्स फॉर्म्ड इन, आफ्टर गिविंग BCG मतलब जो BCG वैक्सीनेशन देने के बाद स्कार्स जो बनते हैं वो कब बन जाते हैं, कितने टाइम में। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 मंथ, सेकेंड है 1 मंथ, थर्ड है 3 डेज एंड 4 है 2 वीक। तो जो BCG वैक्सीनेशन हम करते हैं एकमात्र ऐसी वैक्सीनेशन होती है जो लाइफ टाइम स्कार्स यहाँ पर डेवलप कर देती है हमारे स्किन में। तो जब हम BCG वैक्सीन देते हैं तो आफ्टर 2 to 3 वीक, 2 से 3 वीक में यहाँ पर पैप्यूल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6 to 12 वीक जो होती है उसमें यहाँ पर स्कार्स परमानेंट स्कार्स बन जाते हैं, कब, 6 to 12 वीक में। तो यहाँ पर 6 to 12 वीक मतलब क्या हो गया, आपका जो ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट जाएगा, यहाँ पर 2 मंथ यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो स्कार्स यहाँ पर बनते हैं वो कब बन जाते हैं, 2 मंथ में बन जाते हैं या फिर 6 to 12 वीक में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब जो पेप्यूल बनते हैं वो 2 to 3 वीक में बनते हैं और जो परमानेंट स्कार बन जाते हैं वो 6 to 12 वीक में बनते हैं, यानी 2 मंथ में बनते हैं। तो BCG से इतने सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में BCG से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड इन, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है दिसंबर 1994, दिसंबर 1995 एंड जनवरी 1994 एंड नवंबर 1996। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन था उसको कब स्टार्ट किया गया था, तो दिसंबर 1995 में किया गया था। राइट ऑप्शन जाएगा सेकंड, दिसंबर 1995। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ओपीवी वाज एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन द ईयर,
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 1979, 1976, 1995 एंड 1985। तो जो ओपीबी है ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल में 1979 में यहाँ पर ऐड किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपका मीजल्स कब ऐड किया गया था ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल में, तो 1985 उसके लिए राइट ऑप्शन होगा मीजल्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 1979 में जो ओपीबी है उसको ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल में ऐड किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इसमें कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी के लिए कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी के लिए कंट्रा इंडिकेटेड होती है। फर्स्ट ऑप्शन है रूबेला, सेकेंड है डिप्थीरिया, थर्ड है मीजल्स एंड फोर है हेपेटाइटिस। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रूबेला, क्योंकि रूबेला एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे CCHN एग्जाम के लिए, आपको यहाँ पर हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम के पहले फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड जो आपका BNH042 का सिलेबस है प्राइमरी हेल्थ केयर, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम होने से पहले। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।